समय पूरा देश कोरोना वायरस COVID-19 की महामारी से जूझ रहा है। इसी के चलते इस लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ा है। इसी का संज्ञान लेते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गरीबों को राहत पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा गरीबों को कच्चा खाना पहुँचाया, जिससे लोगों को काफी राहत मिली। इसी के साथ ही सरकार BPL राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक यूनिट 3 किलो चावल व 5 किलो गेहूँ देती आ रही है। इसी के साथ ही APL कार्ड धारकों को सरकार अब तक 5 किलो गेहूँ व 2.5 किलो चावल देती चली आ रही थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार ने अब APL कार्ड धारकों को सुविधा मुहैया कराते हुए प्रत्येक कार्ड पर 10 किलो गेहूँ व 10 किलो चावल देने का फरमान जारी किया है। ये फरमान महामार्च से लागू किया गया है, लेकिन बता दें कि अभी तक बढ़ा हुआ खाद्यान्न उपभोक्ताओं को नहीं मिला है, लेकिन खबर है कि इस माह में बढ़ा हुआ राशन जल्दी उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। इसी को लेकर गरीब तबके के लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन खबर है कि इस माह में बढ़ा हुआ राशन जल्दी उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। इसी को लेकर गरीब तबके के लोगों ने राहत की सांस ली है। सर, पहले हमें राशन कार्ड पर 5 किलो गेहूँ और 2.5 किलो चावल दिया जाता था, जो कि लॉकडाउन की वजह से अब पूरा नहीं पड़ता था। अब सरकार ने 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ देने की बात कही है, जिससे हम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और सरकार ने गरीबों के लिए अच्छी बात की पहल की। उत्तराखंड सरकार ने भी जो APL राशन कार्ड है उन पर जो खाद्यान्न की मात्रा कर दी है 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल, और ये कार्ड धारकों को माह अप्रैल से अब लेकर जून तक दी जाएगी। इस प्रकार कुल 3 महीनों में हम कार्ड धारकों को 60 किलो राशन देंगे, जिसमें 30 किलो गेहूँ होगा और 30 किलो चावल होगा। माह अप्रैल में हम और मई में हम उनका रेगुलर आवंटन दे चुके हैं। अभी इस संबंध में मेरी गोदाम प्रभारी से बातचीत हुई है, तो अभी मात्र 758 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हुआ है और 2-4 दिनों में उनके द्वारा जो एडिशनल खाद्यान्न है वो उठा लिया जाएगा, और जैसे ही हमें प्राप्त होता है हम इसका आवंटन बनाकर कार्डधारकों को वितरित कर देंगे। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी। काफ़ी कार्डधारक मेरे पास शिकायत लेके आते हैं कि हमें राशन कम मिल रहा है, ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है, जिससे कार्डधारक काफ़ी उत्साहित हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं कि हमें ये राशन जल्दी से जल्दी मिले। सरकार और जैसे ही उनको प्राप्त होगा उसके बाद यहाँ से दिल्ली सर्विस चाहिए नहीं और कम से कम किलो चाहिए अभी तक ये राशन क्योंकि राशन जितना भी हमको जो हमारा ब्रेकअप आता है हमारे वो सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जारी किया जाता है यहाँ राशन के लिए, जैसे जो वो सूची रहता है उसी राशन दुकान द्वारा इसको परीक्षण किया जाता है, और एक बार जिनको नहीं मिल रहा है तो इसके संबंध में कुछ परीक्षण कर इसलिए हमने ऑलरेडी मई माह का साधन ऑलरेडी पूर्व में वितरित कर चुके हैं। पैसे का इस बार हमारा जो प्रधानमंत्री का जो फ्री चावल बनना था हमारा 5 किलो के हिसाब से तो वो वितरित किया जा रहा है, क्योंकि 20-21 तारीख के बाद हम वहाँ मई जून का एडवांस चावल जून चावल इसे करेंगे।